बृहस्पति ग्रह जिसे एक गैस का ग्रह माना जाता है, इसका वायुमंडल है ही नहीं। बृहस्पति ग्रह के चांद यूरोपा पर जीवन के सबूत मिले हैं। अभी अभी नया खुलासा हुआ है, वैज्ञानिकों में एक खुशी की लहर दौड़ गई है, वैज्ञानिक पूरी तरह से हैरान हैं। दोस्तों क्या खुलासा हुआ है, क्या सबूत मिला है, आप सुनेंगे तो आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग बनने वाली है, वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों वैज्ञानिक अब सिर्फ चंद्रमा या मंगल पर जाने तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन की खोज में अब वैज्ञानिक दूसरे ग्रहों की ओर भी रुख कर रहे हैं, जो शायद मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज के दरवाजे खोल सकते हैं। नासा ने जुपिटर के चंद्रमा यूरोपा की जांच शुरू करने के लिए एलन मस्क के स्पेस एक्स को चुना है। और आपको बता दें बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा यूरोपा पर पानी का महासागर मौजूद है जो जीवन के संकेत दे सकता है। अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने एक बयान में कहा है कि यूरोपा क्लिपर मिशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट की कीमत $178 मिलियन है। ये मिशन 2024 में फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से फाल्कन हैवी रॉकेट की मदद से लॉन्च किया जाएगा। और आपको बता दें हमारा यूरोपा क्लिपर एक फाल्कन हैवी रॉकेट पर सवार होकर अक्टूबर 2024 को लॉन्च होगा, जिसमें वैज्ञानिक उपकरणों का एक सूट होगा जो ये जांच करेगा कि बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमा पर जीवन की उपयुक्त परिस्थितियां हैं या नहीं। बृहस्पति का चंद्रमा यूरोपा पृथ्वी से लगभग 390 मिलियन मील दूर है और इस यात्रा में 5 साल से अधिक समय लगने की उम्मीद है। मिशन का मुख्य उद्देश्य झीलों की खोज करना है। नासा ने बयान में कहा है कि यूरोपा क्लिपर बृहस्पति के चंद्रमा की विस्तृत जांच करेगा और इस जांच में विज्ञान उपकरणों के सोफिस्टिकेटेड सूट का इस्तेमाल करेगा ताकि ये पता किया जा सके कि ग्रह पर जीवन के अनुकूल परिस्थितियां हैं या नहीं। यूरोपा क्लिपर के पेलोड में कैमरे और स्पेक्ट्रोमीटर भी लगे होंगे जो सतह और वायुमंडल की हाई रेजोल्यूशन फोटो खींचेंगे, जिसमें रडार भी लगा होगा जो नीचे तरल पानी की खोज के लिए बर्फ की परत की ऊपर से जांच करेगा। और आपको बता दें यूरोपा क्लिपर मिशन का मुख्य उद्देश्य यूरोपा की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें खींचना, इसकी संरचना का निर्धारण करना, भूवैज्ञानिक गतिविधि के संकेतों की तलाश करना, चंद्रमा की बर्फीली सतह की मोटाई की माप करना, सतह के नीचे झीलों की खोज करना और यूरोपा के महासागर की गहराई और खारेपन का निर्धारण करना है। इससे पहले मिशन को नासा के स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट से उड़ान भरनी थी जो फिलहाल शुरू नहीं हो पाया और देरी और लागत संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहा है। फाल्कन हैवी को 2018 में इसकी पहली उड़ान के बाद से कमर्शियल और सरकारी दोनों तरह के मिशन के लिए तैनात किया गया है। सबसे पहले ये एलन मस्क के टेस्ला रोडस्टर को अंतरिक्ष में लेकर गया था। ये हाल के सालों में कार्गो और चालक दल दोनों को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचा रहा है। अगर वहां पर महासागर मौजूद है तो वहां पर महासागर के अंदर पानी के अंदर जरूर जीवन पनप रहा होगा और खोज अब बाकी है, जल्द आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। दोस्तों आप क्या सोचते हैं वैज्ञानिकों के बारे में, आपका क्या विचार है कमेंट्स करके जरूर बताएगा। तो दोस्तों इस वीडियो पर ज्यादा लाइक आना चाहिए। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत।